हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रसोई। तो आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट पानी पूरी, और वो भी सूजी से। तो आज हम सूजी से पानी पूरी बनाएंगे, और इसके साथ सर्व की जाने वाला खट्टा मीठा पानी भी बनाएंगे, और उसके साथ सर्व की जाने वाला मसाला भी बनाएंगे, वो भी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सूजी की फूली फूली पानी पूरी। ये देखिए, बनी है ना एकदम फूली फूली पानी पूरी। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ पानी पूरी, है ना एकदम क्रिस्पी। तो सबसे पहले हम सूजी की पानी पूरी के लिए उसका डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ी तास ली है, और अब इसमें हम एक कप सूजी लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, मोटी नहीं है। अगर आपके पास मोटी है तो आप इसे एक बार मिक्सी जार में दरदरा पीस ले और बाद में यूज करें। अब इसके साथ ही मैंने आधा कप मैदा लिया हुआ है, और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक रेगुलर चम्मच भर के यहाँ पे ऑयल डालेंगे। और अब सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को एक बार अच्छे से सारे आटे में मिला लेते हैं, और उसे अच्छे से एक बार हाथों से रब कर लेते हैं। अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम टाइट आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे हमें सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम टाइट आटा ही हमें गूंदना है। तो उस हिसाब से पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही हम इसे मलेंगे, और जो पुड़िया है उससे ना पुड़िया बहुत ही अच्छी अच्छी फूलेगी, ठीक है। देखिए आप, इतना सख्त आटा आपको गूंदना है। और अब इसे हम ढक के ना 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो आटे को यानी कि डो को जब तक हम रेस्ट करवा रहे हैं ना, तब तक हम पानी पूरी के लिए जो खट्टा मीठा पानी बनाना है ना, उसके लिए प्यूरी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी मिक्सी जार ली है, और अब इसमें हम ना आधा बंच जितना मैंने यहाँ पे धनिया लिया हुआ है, और इसे मैंने अच्छे से धो के बाद में यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई माप नहीं है, आप अपने हिसाब से ही आप सारे माप ले सकते हैं। अब जितने मैंने धनिया लिए, इससे थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे फुदीना का यूज किया हुआ है। अब हम स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है। आप थोड़ा ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो और ले लीजिए थोड़ी सी मिर्च, और आधा टुकड़ा जितना मैंने यहाँ पे अदरक लिया हुआ है यानी कि जिंजर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इमली का पल्प डाला है। जो रेडीमेड इमली का पल्प आता है ना, वही मैंने यूज किया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे प्यूरी जैसा बनाकर यूज कर रही हूँ। अब आधी चम्मच जितना यहाँ पे हम नमक यूज करेंगे, या फिर अपने स्वाद अनुसार आप ले लीजिए। और अब 1/4 कप जितना यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से एक बार प्यूरी बना लेते हैं। तो चलिए इसके हम अच्छे से एक बार प्यूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो प्यूरी यानी कि जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम ना एक बाउल लेंगे, और इसके ऊपर एक छन्नी रख के इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और छानने के बाद जो नीचे पानी है उससे हम पानी बनाएंगे, पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। और ये जो पल्प बचा है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम मसाले में यूज करेंगे। आगे जो हम आलू का और चने का जो मसाला बनाने वाले हैं ना, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो चलिए अभी पानी पूरी के लिए हम पानी बना लेते हैं। तो बस इसी प्यूरी में हम ना 1.5 लीटर जितना पानी डालेंगे। अब हम पानी में ना से जो पानी अच्छा खट्टा मीठा चटाकेदार बनेगा ना, तो वो सब मसाले डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच जितना नमक लिया हुआ है, आधी चम्मच जितना काला नमक, आधी चम्मच जितना यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और आधी चम्मच जितना यहाँ पे चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह पे आमचूर का भी यूज कर सकते हैं। और अब आधी चम्मच जितना जीरा पाउडर यहाँ पे डालेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और मैंने यहाँ पे खट्टा मीठा पानी बनाया है ना, तो यहाँ पे हम 1/4 कप जितना भर के यहाँ पे हम शक्कर यानी कि बुरा शक्कर डालेंगे। आप गुड़ डालना चाहते हो, गुड़ यानी कि जैगरी डालना चाहते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। और आप अगर तीखा पानी पसंद करते हो तो आप उस हिसाब से थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, ज्यादा शक्कर मत डालिएगा। और अब सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो पानी में अच्छे से एक बार फ्लेवर दे दे।
और इस पानी को आप ना फ्रिज में, अगर आप ठंडा पानी पानी पूरी में पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा फ्रिज में रख दीजिए और इसे चिल कर लीजिए और बाद में इसे पानी पूरी के साथ सर्व कीजिएगा। तो बस इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के ना टेस्ट कर लिया है, तो पानी बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। और अब इसमें हम थोड़ी सी, यानी कि आधे कप जितने या फिर कोई भी इसमें माप नहीं है, उतनी हम यहाँ पे बूंदी डाल देंगे, जो फरसान आता है ना बूंदी वाला, वो डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको अब हम साइड में रखेंगे और पानी पूरी के लिए जो मसाला बनाना है ना, आलू का और चने का, वो बना लेते हैं। चलिए, तो अब पानी पूरी के मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम आलू लिया हुआ है और इसे अच्छे से 2 से 3 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। अब इसी के साथ हम आधा कप या फिर अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे हम चने लेंगे, उसे भी मैंने 4 से 5 सीटी लगा के बॉईल कर लिए है, तो ये भी हम इस बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे आप चने की जगह पे कोई भी स्प्राउट का यूज कर सकते हो, जैसे मग है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब स्वाद अनुसार यहाँ पे हम हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम ना सारे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे आधी चम्मच जितना जीरा पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना यहाँ पे काला नमक डालेंगे। और हमने जो वो पेस्ट बनाई थी ना पानीपुरी के पानी के लिए जो पेस्ट बनाई थी, और उसका जो बचा हुआ था जो पेस्ट का, तो वो अब हम इस मसाले में डाल देंगे। इससे ना पानीपुरी का मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा 4 गुना अच्छा आएगा। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मसाला बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब सबको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। पहले तो हम आलू को मैश कर लेंगे और सबको ऐसे मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पानी पूरी का जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम ढककर साइड में रख देते हैं और अब पानी पूरी का डो चेक कर लेते हैं। चलिए, अब जो आटा हमने गूंद के रखा था ना, तो उसे हम एक बार अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा सूजी की वजह से एकदम सख्त हो चुका है। तो आप 5 मिनट के लिए और इसे अच्छे से मल ले ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ आटा बन जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मल लिया है और इसमें से अब हम ना एक अच्छा सा स्मूथ सा पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे और बाकी का जो आटा है उसे कपड़े की मदद से हम इसे ढककर साइड में रख देंगे और अब इसे हम ना अच्छे से बेल लेंगे। और बेलने के बाद मैंने यहाँ पे ऐसे पानी पूरी के कटर लिए हुए हैं, उसे हम ना कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पेड़े को अच्छे से बेल लेंगे। हमें यहाँ पे ठीक नहीं बेलना है, यानी कि मोटा मोटा नहीं बेलना है, हमें यहाँ पे पतला बेलना है। ठीक है, चारों ओर से आप अच्छे से पतला सा बेलिए। आपका हाथ जो है वो पीछे से आपको दिखे, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना वैसे वाला, हमें इतना पतला हमें यहाँ पे बेलना है। ये देखिए इतना पतला आपको बेलना है, पीछे से हाथ दिख रहा है ना आपको, बस इतना पतला आपको बेलना है। और अब इसे हम ना पानी पूरी के जो कटर आते हैं, मैंने यहाँ पे ये 2 वाले कटर यूज किए हुए हैं, उससे हम ना बारी बारी से ऐसे पेड़े को बेलते जाएंगे और अच्छे से बेलने के बाद ऐसे हम इसे मोल्ड की मदद से कट करते जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे पानी पूरी के कटर जो है वो नहीं है, तो आप कोई भी कटोरी, स्मॉल कोई भी छोटी वाली कटोरी का यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी कुकी कटर है आपके पास उसका भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप छोटे एकदम बारीक बारीक पेड़े बनाइए उसमें से, और फिर छोटा छोटा सा बेल कर भी आप रेडी कर सकते हो। और अब इसे हम अपना प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर उसे एक कपड़े की मदद से ढककर साइड में रख देंगे और बाकी के सारे पेड़े से भी हम ऐसे रोल कर लेंगे पेड़े को अच्छे से। और बाद में इसे हम ना कोई भी कुकी कटर या कोई भी पानी पूरी के कटर की मदद से ऐसे कट करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। और अब मैंने ये सर्कल वाला जो पानी पूरी का कटर है उससे मैंने कट किया हुआ है, इसे भी अब हम ना ढककर साइड में रख देंगे।
और अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपको एकदम गरम तेल चाहिए, तो सबसे पहले आप गरम तेल कीजिए अच्छे से, और बाद में ये सारी पानी पूरी जो है उसे डालते जाइए, वो अपने आप ही फूल जाएगी। ये देखिए फूल रही है ना अपने आप ही। अगर आपकी पानी पूरी डालने के बाद ऐसे फूलती नहीं है तो आप क्या करें, जो आपने जारा लिया हुआ है ना फ्राई करने के लिए, उसे थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेस कीजिए ताकि वो अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आपने सख्त आटा नहीं गूंदा है तो ये पानी पूरी नहीं फूलेगी और थोड़ी सी वो च्यूई जैसी बनेगी, मतलब थोड़ी सी ऐसी वो हार्ड वाली पानी पूरी, एकदम क्रिस्पी वाली पानी पूरी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, तो ये पानी पूरी बनके हमारी तैयार हो चुकी है, उसे साइड में रखेंगे और बाकी की सारी पूरी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए अपने आप ही कितनी अच्छे से फूल रही है, और इसे हम ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से, ताकि दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बने, और बाद में इसे हम ना कंप्लीटली ठंडा होने देंगे और फिर ही हम इसे टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरी पानी पूरी भी बनके रेडी हो चुकी है, और ये दूसरी पूरिया भी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूली फूली और क्रिस्पी बनी है। अब जो हमने गोल पानी पूरी के लिए पूरिया बनाई थी ना, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से फूल के निकल रही है, मतलब हमने आटा परफेक्ट गूंदा है, ठीक है, परफेक्ट सख्त आटा बनाया है हमने। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपके घर में पानी पूरी कैसी बनी है। फिर कौन कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये भी देखिए, ये पानी पूरी भी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। तो बस इसे हम तेल से निकाल के प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और बाकी की सारी जितनी पूरियां है उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब पानी पूरी सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बाउल लिए हैं, बाहर जैसे मिलते हैं ना वो कटोरी में वैसे ही मैंने लिया हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा सा क्रंची हमारी पानी पूरी बनी है। तो बस इसे हम ऐसे सर्व करेंगे। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट शुक्रवार को।